वेलकम टू आर डी जे पी एस वर्चुअल क्लास। आज क्लास फोर्थ के बच्चों को मैं एक अल्फ़ाबेट से एक फ़िश ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ, ठीक है? तो आप देखिए और इसे ड्रॉ करिए, ठीक है? आपको सबसे पहले एक सी लिखना है, ठीक है? इस तरीके से एक सी लिखेंगे, ठीक है? सी लिखने के बाद इस पार्ट को आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इस ड्राइंग को इस तरीके से और इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है? यहाँ पर भी आप ऐसे कुछ इसके पंख की तरह से ड्रॉ करेंगे फिश के। यहाँ पर इसकी आई और एक स्माइली से, यहाँ पर हम लोग कुछ डिज़ाइन से बना देंगे, ठीक है? फिश के स्किन पर, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ कुछ लाइंस मैं डाल रहा हूँ, ठीक है? ऐसे कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से हम लोग एक फिश ड्रॉ कर लें, ठीक है? अब इसमें बात आती है कलरिंग की। कलर करेंगे हम लोग, कलर में ऑरेंज कलर लूँगा मैं, ठीक है? आउटलाइन में कलर करूँगा मैं, इस तरीके, ठीक है? और बीच बीच में कुछ पार्ट हम दूसरे कलर से करेंगे या वाइट छोड़ सकते हैं, ठीक है? तो इसके आउटलाइन आउटलाइन कर रहा हूँ और कुछ पार्ट को मैं ऑरेंज कलर से कलर भी करूँगा, ठीक है? आप लोग इसे करेंगे प्रैक्टिस घर में, ठीक है? इसकी भी मैं आउटलाइन कर रहा हूँ पूरी फिश की, इसके पंखों की भी, ठीक है? इस तरीके से मैंने आउटलाइन कर दी है। अब हम थोड़ा कलरिंग करेंगे, ठीक है ना? लाइट कलर करना है, थोड़ा राउंड राउंड करके कलर करेंगे आप लोग, ठीक है? कुछ पार्ट को मैं येलो कलर से करूँगा, ठीक है? जैसे यहाँ से येलो कलर ले लिया मैंने, ये येलो कर दिया मैंने, जो जो वाइट पार्ट छोड़ा था उसको येलो कलर कर दिया है, ठीक है? ऐसे, ठीक है? और कुछ को राउंड राउंड करके ही, जैसे जैसे हमारे पंख हैं इस तरीके से मैं कलर कर रहा हूँ, ठीक है? लाइंस आनी चाहिए इस पर, यहाँ आप राउंड राउंड भी करेंगे और कुछ लाइंस में इस तरीके से शेडिंग जैसे बने, शेडिंग तरीके से हम लोग कलर करेंगे, ठीक है? ऑरेंज कलर यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है? आप लोग भी ऑरेंज कलर से करें और लाइंस आए, ठीक है? लाइंस बनानी है, एक ही फ्लो में रहे लाइन, ये नहीं कि अलग अल्टरनेट उसमें चले जाए लाइनें, ठीक है? कुछ दूसरे डायरेक्शन में दिखें, एक ही डायरेक्शन में दिखें। तो इस तरीके से आप एक फिश को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना? तो आप लोग घर में प्रैक्टिस करेंगे, इसको घर में ड्रॉ करेंगे।